में प्रॉफिट हो गया 60,000 का, ये सब इज इट क्लियर। अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो थिंक लॉजिकली, विल योर कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज? बढ़ेगा, ओनर का पैसा बढ़ जाएगा। तो क्या करने का, नेट प्रॉफिट है तो एड, और नेट लॉस होता तो माइनस। सो नेट प्रॉफिट तो एड टू कैपिटल हाउ मच, 60,100 एड करो, इसको लेके जाओ आउटर कॉलम में, 90 माइनस 3 प्लस 60 इज व्हाट, 87 प्लस 60 इज 147,100, बराबर है? 147,100 इज योर अल्टीमेट कैपिटल एट द ईयर एंड। फाइनली टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइब्रेरी, डबल एंट्री कर रहे हो तो होगा ही, 2,21,500 दोनों साइड बराबर चेक कर लो, खाली एक साइड करके छोड़ मत देना, अंदर का आइटम रॉन्ग रहेगा तो फोकट का वैसे भी मार्क्स जाने वाला। सो बोथ द साइड्स का टोटल यू चेक, इट शुड बी 221,500, दैट इज आवर टैली। कंफर्टेबल? यस ऑल ऑफ यू। ड्रॉ फॉर द नेक्स्ट सम क्विक, विच सम आई टेल यू, ड्रॉ करो पहले। ड्रॉ फर्स्ट, हेलो ड्रॉ किया पीछे का ऐसा थोड़ा छोटा डोंट टॉक ड्रॉ फास्ट सर 13 डोंट यू शॉर्ट फॉर्म्स राइट, फुल फॉर्म्स इन द फॉर्मेट राइट राइट। देखो पूरा लिखो, लाइबिलिटीज एसेट्स पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट लाइबिलिटीज एंड एसेट्स वेरी गुड। कीप द प्रेजेंटेशन एज परफेक्ट एज पॉसिबल, ओके, थोड़ा सा भी लीनियंटनेस मत रखो फाइनल अकाउंट, बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक आइटम समझ समझ के करना, भी डाउट है नहीं समझा स्टॉप मी एंड आस्क एवरी आइटम। रीडिंग और पीएनएल का लॉजिकली करो, बहुत इजी है, एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन दैट इज ट्रेडिंग डेबिट, अदरवाइज पीएनएल। ड्रॉ फर्स्ट एंड वन मोर थिंग, इन 99% ऑफ द केसेस यू विल हैव ग्रॉस प्रॉफिट्स, सम में 99% विल हैव ग्रॉस प्रॉफिट ओनली, बट ग्रॉस लॉस आने का चांस बहुत रेयर है, बहुत रेयर, एनएम में आया एक बार ही आया है, बट बहुत रेयर चीज। हाँ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वो 50-50 है, वो आ सकता है, ओके, नेट ग्रॉस का प्रॉफिट ही होगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दोनों दिखेगा, एनएम में हमेशा लॉस ही होता है सब कुछ, नहीं
अरे जल्दी बात सर एक बार बोल दे बट बता रहे पूछ नहीं था पेपर से बच्चे ये तो खबर ऐसे नहीं इतने तो मैं पूछ भी सॉल्विंग ऑल योर कॉलेज पेपर्स सर इस बार नहीं करते बंद कर बोला बंद कर इस बार सबसे ज्यादा लास्ट नहीं सर दो बार मिला है सर मैं वालों को चुप कर हो गया क्या नहीं कर सर अब भी नहीं कर सर मार्च तो हो गया था मिला क्या You are going to do it on your own. 13, sir. पहले mark करो. It's a simple problem. For starters, let's see if you are able to tally it on your own. 13, sir. On top, write down in the books of Miss Shruti. Guys, silence. In the books of Miss Shruti, this is for 31st March 09. So we are doing it for the year 89. Silence. In the books of Shruti, your ends on 31st March 09. Take a pencil, mark it down. Capital, tell me. Liabilities. Capital, liabilities, drawings. Less from capital. Less from capital. Opening stock. Trading. Debit. TD. Purchases and sales. Trading debit. Trading credit. TDDC. Office salaries. P&L debit. Correct? Royalties. Royalties. Trading debit. Royalties are trading debit. Example of royalty. Remember, कोई और चीजें बना रहा है. मोस्टली टेक्सटाइल्स में होता है क्या होता है कोई और वही ब्रांड पे चीज बना रहा तुम भी वही ब्रांड यूज करना चाहते हो यू हैव टू पे रॉयल्टी टू दैट पर्सन से विमल इज अ ब्रांड ऑफ रिलायंस मेरे को भी विमल के ब्रांड का विमल इज अ क्लोथिंग लाइन लाइन ब्रांड ऑफ रिलायंस If I want to make clothes under the brand name of Vimal, I'll have to pay royalty to Reliance. Is it clear? It's not a purchase of asset. वो भी बना रहे, मैं भी बना के बेच रहा है. तो खरीदने पे होएगा. So that's trading debit. Now, और सुना रहेगा books का royalty सुना है? Movies बन सा है books पे? हाँ वो मालूम. उसमें royalty you get. Similar to that. Trade expense is a peculiar item. You remember we had a rule for trade expense. सीरियसली ना विल बी आउट सात्विक मैं तो कुछ बोला ही नहीं यार कंटिन्यूअसली आर डिस्कसिंग व्होएवर इज टॉकिंग नाउ अननेसेसरली डोंट डिस्टर्ब ट्रेड एक्सपेंसेस देर वॉज अ पेक्यूलियर आइटम ऑफ ट्रेड एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ पीएनएल वी डिस्कस्ड रिमेंबर गोसैम याद है What is GOSAM? Abbreviation for what? General. G stands for General Expense. O for? Office. Look at the board. G stands for what? General Expense. O stands for what? Office Expense. S for? Sundry Expense. A for? Administrative Expense. And M for? Miscellaneous Expense. Kya hai bolo? G for? General Expense. O for? Office Expense. S for sundry expense, A for administrative expense, M for miscellaneous expense. याद रहेगा? G for general, O for office, S sundry, A administrative and M miscellaneous. क्या करना है? Check करना है. In the problem, do you have any of these five items? No. General, office, sundry, admin, miscellaneous. इसमें से कुछ भी है क्या? Check करो. Check करो. Office expenses, not office rent, not office salaries. Office expenses. Office rent अलग है, भाड़ा भर रहा है. Office salaries अलग है, employee को दे रहा है.
ऑफिस एक्सपेंस मतलब छोटे अमाउंट का सन्ड्री एक्सपेंस होता है ना, वैसे कॉमन हेड ऑफिस एक्सपेंस होता है, छोटा छोटा एक्सपेंस होता है उसमें, टिप्स है, चैरिटी है, डोनेशन है, वो सब चीज. इज इट क्लियर? वो पांच में से कुछ दिख रहा है क्या? चेक करो, नहीं दिख रहा है? दैट मीन्स नन ऑफ द फाइव आइटम्स आर देयर एंड यू हैव ट्रेड एक्सपेंस. सो इन दिस केस ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू पीएनएल. इन दिस केस ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू पीएनएल. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? क्योंकि छोटा वैल्यू का कोई अकाउंट हेड है नहीं, मतलब ट्रेड एक्सपेंस में जो खर्चे है ना वो सब ऑफिस वाले, वो सब छोटा छोटा एक्सपेंस ऑफिस को बिलोंग करता है. दैट इज अवर अजम्पशन. ओके, अगर वो गोसाम वाला कुछ होता ना, जनरल एक्सपेंस आ गया सब में, सब तो जनरल एक्सपेंस विल गो टू पीएनएल, मतलब उसमें छोटा छोटा ऑफिस का खर्च है और ट्रेड एक्सपेंस भी है, तो देन इन दैट केस ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू ट्रेड, मतलब उसमें छोटा छोटा फैक्ट्री का खर्च. अगर दोनों है, जनरल एक्सपेंस भी है और ट्रेड एक्सपेंस भी, तो जनरल एक्सपेंस विल गो टू पीएनएल एंड ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू ट्रेड. नहीं है तो खाली ट्रेड एक्सपेंस है तो इट विल गो टू पीएनएल. समझा? जैसा इन दिस केस. हेलो, इन शॉर्ट गोसैम का कोई भी आइटम है, सुनो, गोसैम का कोई भी आइटम है एंड यू हैव ट्रेड एक्सपेंस, सो गोसैम विल गो टू पीएनएल, ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू ट्रेड. बट गोसैम का एक भी आइटम नहीं है, यू हैव ओनली ट्रेड एक्सपेंस, सो दैट विल गो टू पीएनएल. अकेला ट्रेड एक्सपेंस हमेशा पीएनएल में जाएगा, गोसैम के साथ वाला ट्रेडिंग में जाएगा. इज दिस क्लियर? याद रहेगा? हेलो, गोसैम का आइटम्स किधर जाएगा? गोसैम इज ऑलवेज पीएनएल. गोसैम तो पीएनएल में ही जाएगा पांचों. उसके साथ अगर ट्रेड एक्सपेंस आया तो ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू ट्रेडिंग, उसके बिना आया तो इट विल गो टू पीएनएल. याद रहेगा? ओके. ट्रेड एक्सपेंस यहाँ पे कहाँ जाएगा? अभी पीएनएल डेबिट. पक्का बोल. एडवर्टाइजमेंट पीएनएल डेबिट. सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस वेजेस. ट्रेडिंग डेबिट. कैश इन हैंड. Assets, debtors and creditors. Assets and liabilities. Bad debts. Bad debts. What are bad debts? Expense related to debtors, related to sales. So P&L debit. Investments. Assets. Investments are assets, you know that, right? Bills receivable and bills payable. Asset and liability. एक asset है, liability. Bills receivable कौन सा है, bills payable कौन सा है? Amount. अमाउंट कौन सा है? बी आर और बीपी का. 2000 इज बिल्स रिसीवेबल. 3000 इज बिल्स पेड. मोटर वैन इज एसेट. डिस्काउंट, खाली डिस्काउंट दिया. इज इट डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज डेबिट साइड? डेबिट बैलेंस मतलब डिस्काउंट अलाउड, ऑब्वियसली अलाउड. सो पीएनएल डेबिट. गॉट इट? फर्नीचर एसेट. ऑफिस रेंट पीएनएल डेबिट. बराबर. प्लांट एंड मशीनरी एसेट. फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी एसेट. रिटर्न आउटवर्ड मीन्स व्हाट? रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न एंड रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न. तो ये खाली रिटर्न आउटवर्ड है तो क्या करना? ट्रेडिंग डेबिट लेस फ्रॉम परचेज. परचेज में से लेस, तो लेस माइनस पी. क्लियर द मार्किंग्स? एनी डाउट? गो टू एडजस्टमेंट. क्लोजिंग स्टॉक एक ही एडजस्टमेंट है 13,500. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स. ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स TC/. पूरा सम खुद से ध्यान से करो. ध्यान क्या रखना है? अभी ट्रेडिंग पीएनएल में 2/ लिखना भूलना मत. बैलेंस शीट में 2/ नहीं लिखना है. ओके, ध्यान से करो. दो चार आइटम जो लिखना है टॉप का लिख लो पहले ही. ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न, कैपिटल लेस ड्रॉइंग. शांति से करो. ट्राई नॉट टू डिस्कस. आई विल बी सॉल्विंग इट ऑन बोर्ड. यू कैन चेक इट आउट लेटर. लेट्स सी हू गेट्स इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. एकदम ध्यान से करो. आराम से जाओ, कोई घाई नहीं अपने को. स्लोली जाओ, परफेक्टली करो. बात मत करो. ट्राई नॉट टू डिस्कस. स्पीड अपने आप बढ़ेगा. सम्स पे परफेक्टली कॉन्सेंट्रेट करो. स्पीड पे ध्यान मत दो. मोर सम्स यू प्रैक्टिस योर स्पीड विल इंक्रीज. हाँ, क्योंकि डेबिट साइड पे अमाउंट इज ऑन द डेबिट साइड, सो इट इज डिस्काउंट अलाउड. इफ इट वाज ऑन द क्रेडिट साइड वुड हैव बीन डिस्काउंट रिसीव.
सर इन्वेस्टमेंट दिया ना ना नहीं भाई इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है एसेट है ना बेचेगा तो पैसा मिलेगा ना इन्वेस्टमेंट मीन शेयर्स बॉन्ड्स एफडीज डिबेंचर्स जस्ट लाइक कैश दे बेचोगे तो पैसा मिलेगा इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स मार्क किया ना बराबर मार्किंग ही रॉन्ग रहेगा तो सब कल्याण होगा सब मार्किंग देख लो भाई प्लांट एंड मशीनरी एसेट बिगेस्ट फिक्स्ड एसेट हाउ कम ट्रेडिंग डेबिट में क्या होता है एक्सपेंस जिसकी लाइफ सिर्फ एक साल होती है रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स समझा इस प्लांट एंड एक्सपेंस नो इज एन एसेट भले यू पेड बट द लाइफ इज मोर ना डेप्रिसिएशन उसका एक्सपेंस दैट विल गो टू पीएल जो पढ़ा हुआ है वो तो 10 साल 8 साल 15 साल काम है सिर्फ एक साल वाला आइटम्स सर वो सेल्स रिटर्न नहीं है तो उसको नील कर दे सेल्स रिटर्न्स के अमाउंट में नील कर देना ड्रॉइंग्स नहीं है तो ड्रॉइंग्स में नील कर आंसर करो वन थिंग यू लूज ना टैली नहीं होगा एकदम ध्यान से करने का फाइनल एक आइटम एक अमाउंट ऊपर नीचे कॉपी किया खत्म डेटर्स आर एसेट्स एडिटर्स आर लायबिलिटीज What is it? Return outward का मतलब purchase. Return inward is sales. Return outward is purchase. Purchase less return. Purchase. Sales का return नहीं. सम जीरो मत लिखो नील लिखो सम में है ना सेल्स रिटर्न नहीं है ना अमाउंट नहीं दिया तो नील कर दो एनआईएल डोंट राइट जीरो डायरेक्टली आउटर में सेल्स लिखा तो भी चले फिर रिटर्न्स लिखना ही ना सम में रिटर्न्स नहीं लिखना है कट दैट हैव रिटर्न रिटर्न्स एंड मेक इट नील सेल्स रिटर्न में नील कर देना
हो गया पोस्टिंग जन कर लो एनी डाउट इन पोस्टिंग यू टेल मी. अच्छा सेल्स रिटर्न का वैल्यू नहीं दिया तो मेक इट नील. ओके दिस बिकम्स 39,000. Check the answer properly. If you have any doubt to tell me. Cash in hand kitna hai? 4 hai na. Posting samjha sabko? Any problem in posting? 800. Sure. Tally, which side is greater here? Credit side.
What is it? Gross profit or gross loss? Profit. Gross profit. कितना आ रहा है ये माइनस करके? 32,300. Bring it to P&L. By gross profit brought down. 32,300. मिला ये? Hello. Then what? Credit minus debit. You get what? Net profit. Net profit carried down. 32,300 is the total. I think 32,300 credit side is greater than debit side. Subtract this. 23,500. Profit hai. So kya ho jayega? Add. Net profit. 23,500. 74,500. 92,500. 92,500 it should tally. Both the sides. You check. It tallies on 92,500. Kuch se karo total. Total of both the sides on your own. Check. इधर कॉपी करेगा तुमने कोई आइटम रॉन्ग लिखा रहेगा मालूम नहीं पड़ेगा प्लीज चेक एसेट एंड लायबिलिटी बोथ द साइड टोटल अप पेंसिल से टोटल करो और चेक करो मैडम 92,500 इट शुड टैली प्लीज चेक पास चेक करो बड़ा डायरेक्ट आउटर में लिखा ना फिर रिटर्न मत लिख लिखा है ना तो नील लिख के बाद में लिखो खाली डायरेक्टली लिखना है तो रिटर्न मत लिखो सीधा बाय सेल्स डायरेक्ट सर व्हाट लैंग्वेज इग्नोर सर के बारे में ऐसा बोलता हूँ कि सबके सामने वो तकलीफ है कुछ रिक्शा अकाउंट्स आर्ट स्टूडियो ऐसा कुछ सब प्रोफॉर्मा दिखा रहे हैं चलो क्लियर दिस प्रॉब्लम हु वाज एबल टू टैली ऑन देयर ओन On their own, without any help. Good. What? बाकी लोग का कॉपी हाँ मेरे में से ही तो देखा चलो ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन सी बिफोर द नेक्स्ट सम यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू दैट इज कॉल्ड एज हिडन एडजस्टमेंट दैट इज कॉल्ड एज हिडन एडजस्टमेंट नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट इट इज अ वेरी स्मॉल कंसेप्ट हिडन एडजस्टमेंट क्या होता है हिडन एडजस्टमेंट ओके एज द टर्म सजेस्ट इट इज एन एडजस्टमेंट एज द टर्म सजेस्ट इट इज एन एडजस्टमेंट प्लीज स्टॉप राइटिंग लुक एट द बोर्ड डोंट राइट एनीथिंग अंडरस्टैंड इट It is an adjustment, but why hidden? Because it is hidden inside the trial balance. This adjustment you will find hidden inside the trial balance. Normally adjustments kidhar hota hai? Trial balance ke baad. Ab tak jitna problems kiya hai, usme trial balance ke niche you have hidden adjustment, right?
नीचे यू हैव एडजस्टमेंट्स नॉर्मली, बट यहाँ पे कोई ऐसा एडजस्टमेंट होगा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर पड़ा हुआ है, वो हिडन है, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा. नाउ हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू सर्च फॉर दिस हिडन एडजस्टमेंट. सो देयर आर टू टाइप्स, क्लियर कट दो टाइप बना के दिया हुआ है तुमको, दो हिडन एडजस्टमेंट का टाइप. ओके, वन हिडन एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड. ओके, वन हिडन एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड. द सेकेंड वन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट. वन एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, द सेकेंड वन इज रिलेटेड टू व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द फर्स्ट वन, व्हेन वी कम अक्रॉस द सेकेंड वन आई टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो. टाइम पीरियड वाला हिडन एडजस्टमेंट कैसा रहेगा, तो बहुत ईजी है. सपोज इन द ट्रायल बैलेंस इन द क्वेश्चन यू हैव दिस आइटम ऑफ वेजेस. से वेजेस दिया हुआ है 22,000 रुपीज, वेजेस दिया हुआ है 22,000, इतना आइटम दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, वेजेस 22,000. सो वेजेस इज 22,000, किधर जाएगा ये वेजेस? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 22,000 यू विल राइट. दिस इज नॉर्मल आइटम. नाउ हाउ दिस विल बिकम अ हिडन एडजस्टमेंट, टाइम पीरियड रिलेटेड, तुमको ऐसा दे देगा, वेजेस ब्रैकेट में देगा उधर ही ट्रायल बैलेंस में 11 months, वेजेस ब्रैकेट में दे स्पेसिफाई 11 months 22,000. Now what does this indicate? That this 22,000, ये तो जाएगा, ट्रेडिंग डेबिट जाने ही वाला है 22,000. ओके, वो तो जाने ही वाला है. फिर ये 11 months देख के क्या मालूम पड़ता है? Can anyone tell me? It has been paid for 11 months. And how many months का year we have? 12 months. So 1 month का we are supposed to pay, which means 1 month का it is outstanding. You need to prepare a small note and calculate that amount. That's very easy. Make a small loan, you will write what, wages 11 months it's 22,000. So 1 month ka kitna rahega? 2,000, obviously 22 upon 11. So what is this 2,000? This is nothing but outstanding wages. So instead of giving outstanding wages directly, instead of giving outstanding wages 2,000 directly, they presented you inside the trial balance. So you calculated the amount, it's 2,000 outstanding. Now you give the effects. So what are the two effects of outstanding wages? Add to wages and liability. You got this? Samajh raha? Yes. So this is how you calculate the amount of hidden adjustment related to time period. Take one more. Suppose I tell you, there is an amount, there is an item of salaries. Salaries diya hua hai 16,000. Salaries diya hua hai.